प्राकृतिक सुंदरता, वैभवशाली इतिहास के साथ आधुनिक विकास को अपने में समेटे भोपाल एक अद्भुत शहर है। ये 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बसाए गए नगर भोजपाल का आधुनिक स्वरूप है। तेजी से बढ़ते इस शहर की जनसंख्या सन 2020 तक 18 लाख से बढ़कर लगभग 30 लाख हो जाएगी। भविष्य में विकास की अनगिनत संभावनाओं को संजोए इस सुंदर शहर को लोक परिवहन के आधुनिक साधनों की आवश्यकता है, जो भोपाल शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों तक भी अपनी पहुंच रख सके। मध्य प्रदेश सरकार इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाइट मेट्रो परियोजना भोपाल में प्रारंभ करने जा रही है। लाइट मेट्रो से भोपाल के निवासी तेज, सुरक्षित, किफायती और स्टेट ऑफ द आर्ट परिवहन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। लाइट मेट्रो परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के आधार पर क्रियान्वयन करेगी, जिसके अंतर्गत हायर फ्लोर एरिया रेशियो, लैंड अमेलगमेशन एंड पूलिंग, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, साथ ही अन्य आनुषंगिक घटकों को अंगीकृत किया जाएगा। ये 73.5 किलोमीटर लंबा लाइट मेट्रो नेटवर्क 6 मार्गों में बटा होगा। प्रस्तावित मार्ग शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए शहर के उपनगरों को जोड़ेगा। वर्तमान में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के समानांतर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शहर में सर्वे के साथ साथ रिक्त भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है। यह परियोजना भोपाल के परिवहन आधारित विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे भोपाल वासियों को विश्व स्तरीय और तीव्र परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। निवेशकों को TOD और PPP मॉडल के माध्यम से इन परियोजनाओं में निवेश का बेहतर प्रतिफल मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार को इन परियोजनाओं को पूरा करने में निजी निवेशकों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। इस मेट्रो परियोजना से भोपाल शहर के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी और ये देश के सबसे उन्नत लोक परिवहन युक्त शहरों में शामिल हो जाएगा। मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन से झीलों के शहर के रूप में पहचान रखने वाला भोपाल आने वाले समय अपनी विश्व स्तरीय लाइट मेट्रो परियोजना के लिए भी